जय हिंद। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी रॉलेट एक्ट के बारे में और सत्याग्रह सभा के बारे में, और हमने देखा था कि नो अपील, नो वकील, नो दलील के प्रोविजंस के साथ में रॉलेट एक्ट को पास कर दिया गया, और इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था सत्याग्रह सभा को। सत्याग्रह सभा को लॉन्च किया जाना था अप्रैल 6, 1919 को, लेकिन इसके लॉन्च होने से पहले ही इंडिया के कुछ कुछ हिस्सों में थोड़ा बहुत वायलेंस देखने को मिला और एक हाई लेवल का एंटी ब्रिटिश डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिला। सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव सिचुएशन पंजाब में देखने को मिली, और पंजाब में भी अगर बात की जाए तो स्पेशली अमृतसर में देखने को मिली। यही छोटे छोटे इंसिडेंट्स अल्टीमेटली लीड करेंगे टू जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसके बारे में आज अपने को पढ़ना है। हमारे हिस्ट्री में अगर कोई सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट है तो वो है जलियांवाला बाग मैसेकर। अपन देखेंगे कि इसकी कहानी क्या है। देखो, हम आम तौर पर ये कह रहे हैं कि अमृतसर वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बाय वायलेंस। सबसे ज़्यादा वायलेंस कहाँ देखने को मिला? अमृतसर में देखने को मिला। लेकिन शुरुआत में कहानी ऐसी नहीं थी। जब अप्रैल 6 को सत्याग्रह सभा को लॉन्च किया गया तो इनिशियली यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने एकदम पीसफुली प्रोटेस्ट करने की शुरुआत करी। इनफैक्ट सत्याग्रह सभा के तहत जो डिसाइड हुआ था, जो प्लान किया गया था, उसके अकॉर्डिंग प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट करने की शुरुआत करी। जैसे इन लोगों ने अपनी दुकानें वुकानें बंद करी और हड़ताल करने की शुरुआत करी, लोगों ने प्रेयर्स करने की शुरुआत करी, लोग फास्टिंग करने लगे, कुछ स्पेसिफिक लॉज को लोगों ने डिफाई करने की शुरुआत करी, और ये सारा कामकाज प्रोटेस्टर्स एकदम शांति से कर रहे थे, एकदम पीसफुली कर रहे थे। बट 9 अप्रैल को लोकल कांग्रेस के दो बड़े पॉपुलर लीडर्स, अमृतसर लोकल कांग्रेस के दो बड़े पॉपुलर लीडर्स, जिनमें से एक का नाम था सैफुद्दीन किचलिव और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल मलिक, सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया, और इनको अरेस्ट बिना किसी रीजन के किया गया। ना तो इन दोनों लीडर्स ने कोई वायलेंस किया था, ना इन दोनों लीडर्स ने कोई कानून तोड़ा था, ना इन दोनों लीडर्स ने किसी भी तरीके से ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को प्रवोक किया था। ये दोनों लीडर्स बहुत सिंपली प्रोटेस्टर्स को सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनको यूनाइट करने के लिए काम कर रहे थे। इनकी बिना किसी गलती के इन दोनों लीडर्स को, सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को, अरेस्ट कर लिया गया, एंड दे वर टेकन टू सम अननोन डेस्टिनेशन। इनको किसी अननोन जगह पर, लोकेशन पर रख दिया गया। अब सोच के देखो, दो बेहद पॉपुलर लीडर्स जिन्होंने कोई गलती नहीं की है उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और उनको अननोन लोकेशन के ऊपर रख दिया गया है। लोगों को ये भी नहीं पता कि उनको कहाँ रखा गया है, उनके साथ में क्या किया जा रहा है। बट ऑब्वियसली बात है, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली बात है, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। लोगों ने और प्रोटेस्ट करने की शुरुआत करी। 10 अप्रैल को इस अरेस्ट के अगेंस्ट में थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स इकट्ठा होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी भी ये जो प्रोटेस्ट है ये एकदम पीसफुली हो रही है, इसमें कोई लड़ाई दंगा नहीं है। बट जैसे जैसे भीड़ बढ़ने की शुरुआत हुई, पुलिस ने इस भीड़ के ऊपर फायरिंग की शुरुआत कर दी। पुलिस रिजॉर्टेड टू फायरिंग, और जैसे ही पुलिस फायरिंग करेगी, बट ऑब्वियसली बात है, ये जो प्रोटेस्ट है ये वायलेंट रास्ता पकड़ लेगा। प्रोटेस्टर्स खुद को डिफेंड करने के लिए वायलेंस के रास्ते पर चले जाएंगे, राइट्स होंगे, और इन राइट्स में ऐसा कहा जाता है कि 5 इंग्लिश मैन को मार दिया गया था, एक औरत को भी पीटा गया था। वायलेंस होने लग गया, सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो गई। जब अथॉरिटीज़ को इसके बारे में पता चला तो अथॉरिटीज़ ने इमीडिएटली ट्रूप्स को भेजा, आर्मी को भेजा, अंडर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। किसके अंडर भेजा? ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। अच्छा, दो डायर हैं, एक माइकल ओ डायर है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब था, जिसके बारे में अपन ने पिछले वाले सेशन में पढ़ा था। एक ये वाला जनरल डायर है जो कि एक्चुअल में जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों अलग अलग डायर हैं। जनरल डायर को भेजा गया और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि एक तो आप मार्शल लॉ को इम्पोज करो और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करो। हालांकि जब तक जनरल डायर आएगा तब तक सिचुएशन खुद ब खुद डिफ्यूज़ होने लग जाएगी, ठंडी होने लग जाएगी। जैसा आमतौर पर राइट्स में होता है कि एक रात एक दिन ज़्यादा टेंशन रहती हैं, फिर ऑटोमेटिकली लोग थोड़ा ठंडे होने लग जाते हैं, बिकॉज लोगों को रियलाइज़ होता है कि यार ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली डिफ्यूज़ होने लग गई थी। बट डायर ने 13 अप्रैल को एक प्रोक्लेमेशन इशू किया, या फिर अपन ये कहें कि एक ऑर्डर इशू किया। अब 13 अप्रैल को 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो डायर ने ऑर्डर इशू किया है, और डायर ने अपने ऑर्डर में क्या कहा है कि कोई भी इंसान शहर को विदाउट अ पास छोड़कर नहीं जाएगा, कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, कोई भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, और 3 से ज़्यादा लोग एक ग्रुप में असेंबल नहीं होंगे। मतलब एक तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है। डायर ने ऑर्डर इशू कर दिया कि कोई प्रोटेस्ट, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होगा, और 3 से ज़्यादा लोग एक ग्रुप में असेंबल नहीं होंगे। सेम डे पे
अमृतसर के लोकल लीडर्स ने डिसाइड किया कि ये जो दोनों लीडर्स को अरेस्ट किया गया है इसके अगेंस्ट में हम एक छोटी सी प्रोटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जलियांवाला बाग में। और तीसरा, अप्रैल 13 को सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब में बैसाखी का फेस्टिवल, और ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है वहाँ का। जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, वैसे पंजाब में बैसाखी के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। बैसाखी का लंबा चौड़ा मेला लगता है, इस मेले में लोग आते हैं देखने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बैसाखी का त्यौहार था अप्रैल 13 को, तीन चीज़ हो गई। एक तो डायर का ऑर्डर आ गया है कि भाई तीन से ज़्यादा लोग एक ग्रुप में असेंबल नहीं करेंगे। दूसरा, लोकल लीडर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम एक छोटी सी प्रोटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जलियांवाला बाग में। और तीसरा, अप्रैल 13 को है बैसाखी का फेस्टिवल जिसका मेला लगेगा अमृतसर में। आसपास के गाँव के लोग इस मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस मेले को देखने के लिए, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए गांव से आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, अमृतसर में इकट्ठा हो रहे हैं। इनको पता भी नहीं है कि डायर का ऑर्डर क्या है, इनको ये भी नहीं पता है कि लोकल लीडर्स की कौन सी प्रोटेस्ट मीटिंग हो रही है, लेकिन जहाँ पर मेला लगता था उसी के पास में जलियांवाला बाग में ये मीटिंग प्लान की गई थी। लोग आए मेला देखने के लिए। अब हमारे इंडिया में होता ही है कि अपना काम खत्म हो जाए उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट होता है कि पड़ोसी के यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी देख लो। तो जब लोगों को पता चला कि यहाँ पे कोई छोटी मोटी प्रोटेस्ट मीटिंग हो रही है, तो जितने भी आसपास के गांव लोग आए हुए थे उन्होंने इस प्रोटेस्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट करने की शुरुआत कर दी। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 20,000 लोग इकट्ठा हो गए। शायद इतने लोग इकट्ठा होते नहीं, बिकॉज प्लानिंग ये थी कि छोटी सी प्रोटेस्ट मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करेंगे, बट बैसाखी के फेस्टिवल की वजह से लगभग 20,000 लोग इस मीटिंग में इकट्ठा हो गए। खूब लंबी चौड़ी गैदरिंग हो गई, लेकिन इस मीटिंग में कोई वॉयलेंस नहीं हुआ, ये मीटिंग एकदम शांति से कंक्लूड हो गई। इनफैक्ट इस मीटिंग में दो रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया। एक तो बोला गया कि ये जो रावलेट एक्ट है इसको रिपील किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। दूसरा, अप्रैल 10 को पुलिस ने जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग की थी उसको कंडेम किया गया। इनफैक्ट ये बोला गया कि ये जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर रही है ये भी गलत है। इस मीटिंग में सारा कामकाज एकदम पीसफुली हुआ, कोई वॉयलेंस नहीं हुआ, मीटिंग अपने कंक्लूजन की तरफ थी। तभी जनरल डायर आता है अपने ट्रूप्स के साथ में, अपने आर्मी के साथ में, और ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि बाग को चारों तरफ से घेरा जाए। इस बाग में सिर्फ एक एग्जिट पॉइंट था, उसको ब्लॉक कर दिया गया और ट्रूप्स को ऑर्डर दिया गया कि क्राउड के ऊपर गोलियां चलाई जाएं। द ट्रूप्स ओपन्ड फायर ऑन द अनआर्म्ड क्राउड। क्राउड को कोई वार्निंग नहीं दी गई, कोई निकलने का मौका नहीं दिया गया, सीधे सीधे गोलियां चलाई गई क्राउड के ऊपर। और डेटा ये कहता है, ब्रिटिश इंडियन सोर्सेज का डेटा ये कहता है कि उस दिन लगभग 379 लोग मारे गए थे इस जलियांवाला बाग मैसेकर में, और लगभग 1100 लोग इंजर्ड हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का डेटा ये कहता है कि लगभग 1500 लोग इंजर्ड हुए थे और 1000 लोग मारे गए थे। ये तो अपना अपना डेटा है, बट ऑब्वियस बात है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इस डेटा को घटाएंगे, ये जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं इनको कम करेंगे, बिकॉज उनको अपनी ब्रुचुअलिटीज छुपानी है। बट हमें एक चीज़ प्रसाइजली पता है, एक्यूरेटली पता है कि उस दिन जलियांवाला बाग में 1650 बुलेट्स को फायर किया गया था। लार्ज स्केल पर लोगों का मैसेकर किया गया, लोगों को मारा गया। और जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद ऐसा नहीं है कि ब्रुचुअलिटीज रुक गई, इनफैक्ट पूरे अमृतसर में जितने भी लोग थे उनको अलग अलग तरीके से हैरेस किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, उनके ऊपर अनसिविलाइज्ड ब्रुचुअलिटीज़ की गई। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, पब्लिक फ्लॉगिंग की गई, लोगों को कोड़े मारे गए, लोगों को फोर्स किया गया कि वो रोड के ऊपर क्रॉल करें, लोगों को फोर्स किया गया कि वो रोड के ऊपर अपनी नाक को रगड़ें। मतलब हद से ज़्यादा ब्रुचुअलिटीज़ को अडॉप्ट किया ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने। और पूरा देश शॉक में था कि यार ऐसे कैसे लोगों के ऊपर फायरिंग की जा सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड के टाइटल को गिव अप कर दिया इसी प्रोटेस्ट में। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रोटेस्ट, अपना डिसकंटेंट दिखाने के लिए अपने नाइटहुड के टाइटल को गिव अप कर दिया। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद का टाइटल मिला था, ब्रिटिशर्स ने दिया था, बिकॉज बोयर वॉर्स के दौरान, जब साउथ अफ्रीका में बोयर वॉर्स चल रहे थे उस दौरान गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की मदद की थी। गांधी जी ने इस जलियांवाला बाग मैसेकर के प्रोटेस्ट के तौर पर अपने इस केसर ए हिंद के टाइटल को गिव अप कर दिया। और गांधी जी ने अल्टीमेटली इस सत्याग्रह सभा को विड्रॉ कर लिया ऑन अप्रैल 1899। 6 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ और 18 अप्रैल को सत्याग्रह सभा को या सत्याग्रह मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया। और गांधी जी ने यह कहा दैट ही कमिटेड हिमालयन ब्लंडर, कि उनसे हिमालय के बराबर की गलती हो गई है, ब्लंडर हो गया है। गांधी जी ने यह माना
कि एक तो हम अभी तक पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है बड़े मूवमेंट को चलाने के लिए, नॉन वायलेंट मूवमेंट को चलाने के लिए, और दूसरा गांधी जी को ये समझ में आ गया कि ये जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं ये किसी भी हद तक जा सकती हैं चीज़ों को सप्रेस करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए। हालांकि ये जो रॉलेट एक्ट है इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली रिपील करेगी 1922 में। कब रिपील कर देगी? 1922 में। लेकिन ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, ये जनरल डायर ने जो किया, ये एक तरीके से ब्रिटिश राज के एंड की शुरुआत हो गई थी। APJ टेलर जो कि एक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि जलियांवाला बाग मैसेकर वॉज डिसिसिव मूवमेंट व्हेन इंडियंस वर एलियनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जलियांवाला बाग मैसेकर ने इंडियंस को और यूनाइट किया और स्ट्रांगली पोजिशन किया, उनके दिल में जो एंटी ब्रिटिश ओपिनियन था उसको और स्ट्रांग किया। और ये जो 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर होगा, ये पंजाब के पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल देगा। भगत सिंह जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तब सिर्फ 11 साल के थे। आगे चल के भगत सिंह बनाएंगे भारत नौजवान सभा, और ये जो भारत नौजवान सभा है इसके लिए ये जलियांवाला बाग मैसेकर मोटिवेशन का काम करेगा कि यार हमारे लोगों को इतना ब्रूचली मारा गया था, उसका बदला लेना है। इनफैक्ट ऊधम सिंह एक नया नाम रखेंगे, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ऊधम सिंह लंदन तक जाएंगे और वहाँ जाके माइकल ओ डायर जो कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसको असैसिनेट करेंगे। ऊधम सिंह विल बी हैंग्ड इन 1940, इनको फांसी दे दी जाएगी। इनके जो रिमेन्स हैं उनको इंडिया को लौटाया जाएगा 1974 में। इनफैक्ट ऊधम सिंह के ऊपर तो अभी रिसेंटली एक मूवी आई है, विक्की कौशल की मूवी है, बड़ा शानदार तरीके से उसमें दिखाया गया है कि ऊधम सिंह ने किस तरीके से माइकल ओ डायर को असैसिनेट किया है। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है, इनफैक्ट आप लोगों को देखनी चाहिए। और इसके साथ जलियांवाला बाग मैसेकर की कहानी ख़त्म हो गई। एक तो जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ? अप्रैल 13, 1919 को। कब हुआ? अप्रैल 13, 1919 को। प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो लीडर्स कौन कौन से अरेस्ट किए गए थे, सैफुद्दीन किचलेव और दूसरे सत्यपाल मलिक। कब अरेस्ट किए गए थे? 9 अप्रैल को। जलियांवाला बाग मैसेकर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? जनरल डायर, ये अपन सबको पता है। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? अप्रैल 13, 1919 को। गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर किसको कहा था? अपने सत्याग्रह सभा को। मूवमेंट को विड्रॉ कब किया था? अप्रैल 18, 1919 को। प्रोटेस्ट के तौर पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड को गिवअप किया था और गांधी ने केसर ए हिंद के टाइटल को गिवअप किया था। ये जो रॉलेट एक्ट है इसको रिपील कब किया गया? 1922 में। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो कि ऊधम सिंह अल्टीमेटली माइकल ओ डायर को असैसिनेट करेंगे और इनको फांसी दी जाएगी 1940 में। इनके रिमेन्स कब वापस किए जाएंगे? 1974 में इनके रिमेन्स इंडिया को वापस किए जाएंगे। ये प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी जो पूरी कहानी है वो मेंस में अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है कि कब कौन सी चीज़ें हुई, कैसे चीज़ें एक्सप्लोजिव हुई। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। ये जितना भी मैसेकर हुआ, ये जितना भी प्रॉब्लम हुआ, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हंटर कमीशन बनाई जाएगी। इस हंटर कमीशन की बातचीत अपन अगले सेशन में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।